धान की खरीद शुरू न होने के चलते अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसानों का धरना आज लगातार तीसरे दिन भी जारी है। बता दें कि अंबाला हिसार हाईवे पर डेरा डाले बैठे किसान निरंतर धान की खरीद शुरू करने की मांग उठा रहे हैं, लेकिन किसानों की सुनवाई फिलहाल अंबाला में होती दिखाई नहीं दे रही। वहीं आज किसान आंदोलन की सुनवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी रोड जाम करके बैठे किसानों के बीच पहुंचे और सरकार को जमकर कोसा। इस दौरान गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज पर भी अपनी भड़ास निकाली और कहा, विज अकल के अंधे पहले ही थे, अब ये आंखों के अंधे भी हो गए हैं, क्योंकि इन्हें किसानों पर पड़ी लाठी नजर नहीं आई। देखिए, अनिल विज जो है वो पहले से अकल का अंधा तो पहले से ही है, अब वो आंखों का भी अंधा हो गया है। उसने आप उसको फोटोएं नजर आ रही हैं, सिर पटे नजर आ रहे हैं, पुलिस वाले लठ मारते नजर आ रहे हैं, सिविल कपड़ों में पुलिस वाले लठ मारते नजर आ रहे हैं। हम उनकी आईडी भेज रहे हैं कि ये आदमी था सिविल में लठ मारने वाला, और सिर पट गए हैं, हड्डियां टूट गई हैं। उसके बावजूद भी अगर वो कहते हैं कि लाठीचार्ज हुआ ही नहीं, तो फिर वो अकल का तो अंधा पहले से, अब वो आँखों का भी अंधा हो गया है। और अगर सरकार ने कोई लठ मारने का ऑर्डर नहीं दिया, तो फिर जिन लोगों ने लठ मारे हैं, वीडियो सामने आ रही है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज अभी तक क्यों नहीं करवाया? उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करना बनता है। अध्यादेश है, ये अध्यादेश क्या कह लीजिए, ये तो इस तरह के काले कानून, इनको कहिए चाहे इनको ये कहिए कि देश को बर्बाद ये कर देंगे, पूरा का पूरा जो देश है वो कारपोरेट का गुलाम हो जाएगा, और पूरे जो चंद लोग हैं वो सारा देश का अनाज खरीदेंगे, और फिर पूरा देश उन्हीं से लेके खाएगा, पूरा देश उन्हीं का ग्राहक होगा, और जब पूरा देश उनका ग्राहक होगा, फिर वो ऐसे करेंगे जैसे चार साल पहले इन्होंने दाल में किया, जैसे इन्होंने प्याज में किया, फिर इस तरह से करेंगे कि काला बाजारी उसमें करेंगे, और गरीब जनता जो है भूख से मरेगी। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।